अयोध्या विखे श्री राम मंदिर विच श्री राम लीला विराजमान हो रहे हैं और इस खुशी विच पूरे देश विच अक्षत पूजन किया जा रहा है, जिस दे तहत हुशियारपुर विखे अयोध्या जी तो भेजे गए अक्षत पहुंचे, जिन्हां नूं पूरी श्रद्धा दे नाल वैष्णो धाम मंदिर विखे रखवाया गया है तां जो श्रद्धालु उन्हां दे दर्शन अते पूजन कर सकन। विश्व हिंदू परिषद दे जिला मंत्री करण पासी ने जानकारी दिंदे होए दस्सिया कि इह पल सारियां लई माण वाले पल हन अते सानूं सारियां नूं इन्हां इतिहासिक पलां दे साक्षी बनना चाहीदा है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद अते संघ दे अधिकारी अते वड्डी गिनती विच श्रद्धालु मौजूद सन। जय श्री राम। आज अयोध्या में जो 22 जनवरी को भव्य राम लल्ला जी का पूजन के बाद उनका मूर्ति स्थापना होगी, उसके उपलक्ष्य में यहां अयोध्या से कलश अक्षय कलश आए हैं, जो कि सभी भारतवासियों को आमंत्रित करने के लिए हैं। सभी को आमंत्रित किया जा रहा है लल्ला जी की तरफ से, और राम लल्ला जी के ये अक्षय जो पूजन के हैं ये सभी घर घर वितरण किए जाएंगे और फिर ये वापस अयोध्या जी 15 तारीख को पहुँचेंगे। शेष जो पूजन के में वो वहाँ काम आएंगे। तो इस माध्यम से सभी भारतवासियों और हुशियारपुर वासियों को सादर आमंत्रित है कि राम लल्ला जी के यहाँ विराज होने पर सभी वहाँ पर आएं और दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज कलश इतने पहुँचा है, ये अयोध्या के बच्चे कलश पूजन जो राम लल्ला जी का गर्भ स्थान है उत्थे होके पूरे देश के कलश पहुँचे हैं। हिंदू समाज ने पिछले 500 साल तो इन्ना संघर्ष करने के बाद 500 साल के मंदिर का निर्माण हो सकता है। मंदिर निर्माण को लैके आप पूरे समाज के 500 साल का संघर्ष चल रहा है। बहुत कुर्बानियां हुई, 3 लाख कुर्बानियां लगभग जो गिनती के है, इस तो बहुत कुर्बानियां हुई। इन्निया कुर्बानियां करने के बाद हिंदू समाज में यह मंदिर राम लल्ला जी का जो विराजमान स्थान है जिते उन्होंने जन्म होया प्राप्त होया है। इस आप विश्व हिंदू परिषद ने 1984 अभियान शुरू किया कि आप इस स्थान तो जो बाबरी ढांचा उत्थे बनया होया है उसनों ध्वस्त करके राम लल्ला जी का मंदिर बनावांगे। विश्व हिंदू परिषद समय समय से समाज के आता रहा है। पिछले समय के सारे पता है कि इटा के नाल 125 रुपए के नाल पूजा हुई सी। उस 18 के आप अभियान के नाल पूरे सम्मेलन किए देश के दे उस तो बाद आप निधि इकट्ठी की जो मंदिर के लिए उस समाज के गए सी। हुण आप पूरे समाज में इन अक्षरों के थ्रू निमंत्रण देना आए हैं कि राम लल्ला जी अपने मंदिर के विराजमान हो गए आ। पूरा समाज 22 जनवरी को उस तो बाद उत्थे दर्शन करन आवे। 22 जनवरी को जो भव्य स्थान मंदिर के राम लाल जी राम लल्ला जी अपने स्थान के विराजमान हो जाएंगे। राम मंदिर तैयार होया है, ये हिंदू समाज के लिए गुरु के सनातन के लिए एक शक्ति पुंज के रूप में पूरे वर्ल्ड के मशहूर होने वाला है। जय श्री राम। 500 साल के लंबे संघर्ष के इंतजार तो बाद जिहड़ा अज एक मौका आया वो अयोध्या जी तो श्री राम जी का संदेश जो सानू मिलिया असीं हुशियारपुर च अपने इस मंदिर में लैके आए हैं। इसनों 1 जनवरी तो लैके 15 जनवरी तक असी हर घर हुशियारपुर जिले हर घर में लैके जावांगे और उन्होंने निमंत्रण देवांगे कि वह भगवान श्री राम जी के दरबार के दर्शन कर जरूर अयोध्या जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। राजीव, अज आप श्री रामचंद्र जी का प्रभु जी का अपना संदेश लैके आए हैं कि 22 तरीक नूं राम लल्ला जी अपने मंदिर दे विच विराजमान हो जा रहे हैं। तो आप उस दिन नूं दिवाली दे परम अंग मनाइए। घर घर ये संदेश आपां पहुँचाना है, घर घर ये जिहड़े अक्षत आई पहुँचाने हैं। तो आप 22 तरीक तो बाद अयोध्या श्री राम जी के मंदिर आप दर्शन कर जाइए। जय श्री राम। जय कारा वीर बजरंगी। मैं जसवीर सिंह, प्रांत संयोजक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद। आप अक्षर के नाल पूरे समाज में आह्वान करना है कि 22 जनवरी को जिहड़ा ये दिन आ दिवाली वांगू मनाया जाए। हर साथी अपने घर के दीवे जगाउण, दिवाली वांगू उत्साह होवे, क्योंकि राम लल्ला जी जदों अयोध्या 14 साल बाद पहुँचे सी तां पूरे लोगों ने दिवाली मनाई सी। हुण राम लल्ला जी पूरे 500 साल बाद अपने मंदिर के पहुँच रहे, अपने जन्म स्थान पर अपने महल के पहुँच रहे हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि पूरा समाज हिंदू समाज पूरे वर्ल्ड के जिते भी हिंदू सनातन बैठे आ वो एक दिवाली के रूप में मना। जय श्री राम। जय।